गुड मॉर्निंग क्लास। सो देखिए, लास्ट क्लास जो आपको होमवर्क मिला था, आइए पहले हम उन होमवर्क को डिस्कस कर ले, फिर आज आगे उसी के आगे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के भी और भी करेक्टरिस्टिक्स जो रह गई हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। और इस लेक्चर में आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जितना भी करेक्टरिस्टिक्स थे सब खत्म हो जाएंगे, राइट। तो आइए, ये था आपका पहला क्वेश्चन। हाँ, मैक्सिमम बच्चों ने किया था, सही भी था, लेकिन बात यह कि आप इतनी इजी से क्वेश्चंस को इतना टफ क्यों बना रहे थे। अब आपके माइंड में आएगा, सर इजी कहाँ था, अभी हम आपको दिखाते हैं, परेशान ना हो। देखिए, आपको ये रिलेशन दी गई थी, राइट। क्या है रिलेशन? लॉग ए टी अपॉन ए नॉट, दैट इज गिवन लॉग ए टी अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी, ये दिया गया था। ग्राफ किसके बीच बनाना था? लॉग ए टी अपॉन ए नॉट और टी के बीच बनाना था। ये पार्ट विजिबल है, एक मिनट, मुझे इसको थोड़ा छोटा करना होगा। अब ठीक होगा ना, विजुअल होगा, ठीक है। तो बस मुझे क्या चाहिए था, एक लॉग चाहिए था ए टी अपॉन ए नॉट के फॉर्म में और दूसरा टी चाहिए था, मुझे यही मिल रहा था। आपको बिना वजह ये सब चीज़ें इंटरचेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देखिए कैसे क्या करेंगे, ये कहाँ है मेरा वाई एक्सिस, देखिए सेम सेम है क्या, लॉग आर या लॉग ए टी अपॉन ए नॉट, लॉग ए टी अपॉन ए नॉट, इसके जब मैं क्या लिख सकता हूँ वाई, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे है। वही अगर हम टी की बात करें तो ये तो हो गया एक्स, और ये क्या बचा हमारा के, ये के हमारा क्या बन जाएगा एम, जिसको हम क्या कहते हैं स्लोप। तो ये ग्राफ किसका बन गया, y इज इक्वल टू एम एक्स का। लेकिन आप देखिए तो यहाँ पे जो स्लोप है वो कैसी है, नेगेटिव। हाँ, अगर आपसे कोई स्लोप पूछे तो कहेंगे m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाती है, माइनस के, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, इसलिए ग्राफ क्या होगी, ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ेगी। ये हो जाएगा ग्राफ, क्लियर है? हाँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, विजिबल है, ठीक है। तो देखिए वाई इज इक्वल टू माइनस के एक्स का ग्राफ, यानी वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स का ग्राफ बनेगा ऐसा। अभी आपके माइंड में एक सवाल थोड़ा सा आएगा, सर वाई इज इक्वल टू माइनस एम एक्स या वाई इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ तो हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है, यानी कि ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट होकर नीचे जाना चाहिए था, तो आपने ग्राफ ऊपर से क्यों बनाया, है ना? ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल का जवाब है। अगर हम यहाँ से ग्राफ स्टार्ट करते, इसका मतलब इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए थी, जीरो, जीरो होनी चाहिए थी। क्या कंसंट्रेशन इस टाइम पे जीरो होगी रिएक्टेंट की? नहीं, रिएक्शन कराने के लिए कुछ ना कुछ आप वैल्यू लिए होंगे, इसलिए ये जीरो हो नहीं सकता। तो इस ग्राफ को हम ऊपर से प्लॉट करते हैं और नीचे लेके आते हैं। अभी क्लियर है? हाँ, तो ये बन गया बस आपका ग्राफ, इतना सही करना था, इसमें इससे ज़्यादा कुछ काम नहीं करना था। खैर, जो आप लोग बनाए थे वो भी सही था। नेक्स्ट देखिए, हमें अब ग्राफ बनाना है लॉग ए नॉट अपॉन ए टी एंड टी के बीच। फिर से जो रिलेशन दिया गया था वही आप लिख लें, लॉग ए टी अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ये दिया था। अब आपको एक चीज़ देख के पता चल रहा होगा कि इस क्वेश्चन में हमें लॉग ए नॉट अपॉन ए टी चाहिए, ये ए टी अपॉन ए नॉट दिया, राइट। हाँ, तो पहले मुझे इसको इंटरचेंज करना होगा, और आपको पता है कि अगर लॉग को इंटरचेंज करना है तो माइनस लग जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ए नॉट अपॉन ए टी, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ के टी। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये पूरी वैल्यू क्या हमारी वाई इज इक्वल टू एम एक्स, ये क्या हो जाएगा वाई इज इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ बन जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर आप y छोटी एम एक्स की ग्राफ देखेंगे तो y यहाँ मिल गया, x यहाँ मिल गया, और ये m यहाँ पे जो स्लोप है वो किसके इक्वल है, k के इक्वल है। ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से ऊपर की तरफ, और क्योंकि आपको पता है इसकी वैल्यू कुछ दूर तक हम डॉट डॉट करके दिखाएंगे, क्योंकि इनिशियली जीरो नहीं होता। तो बस ये बन गया हमारा ग्राफ, यही था, ग्राफ में कुछ नहीं था, बस आपको इक्वेशन के साथ प्लॉट करना था, दूसरी लॉग की प्रॉपर्टी थोड़ी सी यूज करनी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, देखिए हाँ, टी 87.5% इज इक्वल टू 350%, ये क्वेश्चन हो गया होगा। ये देखिए इस क्वेश्चन में बच्चों ने क्या किया, किसी को हाफ किया, किसी को डबल किया, किसी ने ए टिक किया, किसी ने बी टिक किया। एक्चुअली आपको ये देखना आता है इसने क्या कहा है, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए गिवन रिएक्शन इज डबल, इनिशियल कंसंट्रेशन को हम डबल करते हैं तो टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमने आपको बार बार ये चीज समझाई थी, मैंने प्रूव भी किया था कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस, कि जो भी रिएक्शन का पार्ट कंप्लीट होता है उसमें लगने वाला टाइम कभी भी उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड करता है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है, अगर ये टाइम पर डिपेंड ही नहीं करता है, ये टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इनिशियल कंसंट्रेशन को चाहे जितना बढ़ा दे टाइम पर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, यानी कि टाइम विल रिमेन सेम। चाहे आप इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दे, ट्रिपल कर दे, फोर टाइम्स कर दे, हाफ कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाइम तो उस पर डिपेंड ही नहीं करता, तो टाइम वही रहेगा, दैट विल बी सेम, सी ऑप्शन। हाँ, नेक्स्ट हमारा चैलेंज क्वेश्चन, मैक्सिमम बच्चों ने जो सॉल्व किया होगा 9 point something करके आया होगा, तो उसका आंसर ये होगा 10 into t 50%। हम एग्जैक्ट ये लेके चलते हैं, सही है। चलिए अब आप सॉल्यूशंस अपना देख ले, या फिर ये मुझे बताना पड़ेगा, चलिए इसको बता ही देते। देखिए इट्स गिवन t 99% हमें कैलकुलेट करना है। देखिए t 99% का मतलब क्या हो गया, इतना तो कंप्लीट हो गया, कितना लेफ्ट हो गया होगा, 99 100 minus 99.9%। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मेरे हिसाब से 0.1%, ये बचा, राइट, ये बचा, यानी यही हमारी वैल्यू है किसकी, 80 की। चलिए ये किसका होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट, इसको थोड़ा सा और यहीं सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 0.1/100 ऑफ ए नॉट, और आप थोड़ा सा और अरेंज कर लें तो 1 into a0, ये हो जाएगा a0, डेसिमल हटाएंगे तो एक जीरो और नीचे आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा a0/1000। इसको ऐसे लिख के छोड़ दे, दिस इज द वैल्यू ऑफ 80। इतना क्लियर है, चलिए फॉर्मूला लगाते हम लोग, t 99.9% किस में, log 10 में लिखे या फिर उसमें लिखे ln में, चल नेचुरल लॉग में लिखते हैं, 1/k नेचुरल लॉग a0/80, 1/k नेचुरल लॉग ए नॉट की वैल्यू तो ए नॉट ही रहेगी, 80 की वैल्यू कितनी आई है, a0/1000, ये 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया, ये आपको क्या मिल गया, 1/k नेचुरल लॉग 1000 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 10^3 लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी याद रखना आपको, लॉग एम के पावर एन की वैल्यू क्या होती है, एन लॉग एम होती है ना। चलिए हम इसको आपको लिख के दिखा देते हैं, क्योंकि आज भी हम इसको यूज करेंगे, लॉग एम के पावर एन है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन लॉग एम, यानी जो पावर होता है हम उसको मल्टीप्लाई में आगे ले आ सकते हैं। इसी का उल्टा करने में आपको आना चाहिए, अगर कहीं आपको ये ऐसा देखने को मिल गया तो आप इस एन को ऊपर भेज सकते हैं इसके पावर में, तो ऐसा मिलेगा नेचुरल लॉग एम के पावर एन, ठीक है, ये एल एन है, इसको भी एल एन कर लें, इतना याद है। चलिए तो देखिए एल एन 10^3 है तो 3 को हम बाहर कर लें, ये क्या हो जाएगा 3 into 1 यानी 3/k और ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 10, एक ये हो गया। अब आप इसको क्या करिए, बेस 10 में कन्वर्ट कर दीजिए, तो जब आप बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 3/k नेचुरल लॉग को जब बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, वो 2.303 से मल्टीप्लाई होता है, राइट, और ये हो जाएगा लॉग बेस 10 और यहाँ क्या बचेगा 10, अच्छा लॉग 10 की वैल्यू क्या हो गई बेस 10 के साथ 1, यानी कि ये वैल्यू तो वैसे ही हट गई, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करिए ये कितना हो जाएगा 9096/k। मैंने आपको बार बार ये चीज़ समझाई है कि हम 6.909 या फिर 0.6909 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.693 लिख सकते हैं, ये चीज़ मैं आपको बार बार सिखाते आ रहा हूँ,
तो देखिए ये 6.909 को क्या मैं ऑलमोस्ट सिमिलर टू 6.903 लिख सकता हूँ क्या? नहीं, ये वैल्यू है हाथ नहीं रहेगी, ये वैल्यू को मैं 6.93 लगभग लिख सकता हूँ। अगर नहीं लिखना है तो भी हम आपको दिखा देंगे, फिलहाल आप ऐसे लिख के देख ले। फिर देखिए ये वैल्यू क्या आ गई के। अब देखिए आपको पता है हाफ लाइफ टी 50% क्या होता है, दैट इज 0.693 अपॉन के। अगर हम यहाँ से के निकालना चाहें तो के को ऊपर भेज दें इसको नीचे, ये हो जाएगा 0.693 अपॉन टी 50% बन जाएगा। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दें के की जगह पर, तो ये हो जाएगा 0.693 अपॉन टी 50% कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब आप देखेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू 10 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 10, तो ये ऑलमोस्ट किसकी इक्वल आता है 10 इंटू टी 50% के, बस हो गया। अब सवाल ये है कि अगर हम ऐसा ना किए होते तो भी कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं, आप इसको लिख लें 6.909 अपॉन के, फिर आप के की वैल्यू ला कर रखें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6.909, के की वैल्यू आएगी 0.693 अपॉन का टी 50% कहाँ चला जाएगा, ऊपर। आप इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू आई थिंक 9 समथिंग करके आएगा, चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए दिस इज 6.909 डिवाइडेड बाय 0.693, ये वैल्यू आएगी 9.96। कितनी आ रही है, 9.96 टी 50%। आप बताइए 9.96 को ऑलमोस्ट हम क्या कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं राउंडिंग फॉर्म में, ये हो गया 10 इंटू टी 50%। बस यही करना था, आसान था। चलिए मैंने नेचुरल लॉग लेके किया था, बाद में लॉग वेस्टेज बनाया था। अगर आप स्टार्टिंग में भी 2.303 लेते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, तरीका वही रहेगा, आंसर भी वही रहेंगे, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही था, डी। चलिए ये उसका सॉल्यूशन आपके सामने है, ठीक है, जिनको ये लॉग वेस्टेज के साथ देखना होगा वो यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपके तीनों क्वेश्चंस के आंसर हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो हो गया था, हाँ ये क्वेश्चन भी आपने कर ही लिया होगा, तो ये इस क्वेश्चन को करने में आपको टाइम लगा होगा। अब हम इस क्वेश्चन को ना बहुत ही आराम से कर लेंगे। देखिए क्या दिया हमें, इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन इज 100 सेकेंड, यानी कि हमें टी 75% दिया था, कितना 100 सेकेंड, और कह रहा है कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर 87.5%, यानी टी 87.5% आप कैलकुलेट करके बताएं। बस अब ना आप वाली कैलकुलेशंस को यूज ना करें, आपने जो अभी शॉर्ट रिलेशंस बनाए उनको यूज करें, हमने इसीलिए बनाया था। बताइए टी 75% किसके इक्वल होता है, हाँ याद है ना, दैट इज इक्वल टू 2T 50%, यानी कि 2 हाफ लाइफ के इक्वल होता है। टी 70% कितना है 100 सेकेंड्स, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू टी 50%। आप यहाँ से टी 50% कैलकुलेट करेंगे, 2 के इधर भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा, टी 50% इज 50 सेकेंड्स, यहाँ हो गया, क्योंकि आपको टी 87.5 कैलकुलेट करना है। तब क्या लिखेंगे, हाँ अभी हमने देखा टी 87.5% कितने के इक्वल आया था, 3 इंटू टी 50%, आपने कैलकुलेट किया है ना, हाँ, तो ये देखिए 3 टी 50% की वैल्यू 50, सो सॉल्व कर देंगे कितना आ गया 150 सेकेंड्स, बस हो गया। ऐसा नहीं है, आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल सही है, ये है आपका टाइम बचाने का तरीका, उसको बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप ऐसे आराम से इजीली ऐसे क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। खैर वो तो हो ही गया होगा, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। सेकेंड चैलेंज क्वेश्चन दिया है, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन एक्स गोज टू वाई टी 50% इज 10 मिनट, हमें
की 50% इज गिवेन 10 मिनट्स। अब समस्या ये है कि ये टी 50% के जगह पर आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं एनॉट अपॉन 2K लिखेंगे या 0.693 अपॉन K लिखेंगे, या आप इसको नेचुरल लॉग 2 भी बोले उसको कोई इशू नहीं हो, तो बात एक ही है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये टी 50% कैसे पता चलेगा कि ये जीरो ऑर्डर के लिए दिया है या फर्स्ट ऑर्डर के लिए दिया है। क्या क्वेश्चन में कहीं मेंशन है? देखिए नहीं मेंशन है, तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या देखना है? हाँ, इसमें ये चीज़ आपको देखना था, एलिमेंट्री रिएक्शंस। हमने कहा था एलिमेंट्री रिएक्शंस में जो उसकी मोलिकुलरिटी होती है दैट इज द ऑर्डर, वही उसकी ऑर्डर होगी। ये देखिए एक्स, इसका कोफिशिएंट कितना होगा? यहाँ पर 1 होगा जो कि छिपा हुआ है, तो इसकी पावर भी क्या आएगी? 1, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है? 1। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अभी क्लियर हो गया? चलिए आगे कह रहा है ये, इन व्हाट टाइम वुड द एक्स विल रिड्यूस टू 10% ऑफ इट्स ओरिजिनल कंसंट्रेशन। कह रहा है कि वो कितने समय के बाद सिर्फ 10% बचेगा, यानी कि AT के बारे में आपको कमेंट कर रहा है। इट इज टेलिंग दैट AT इज गोइंग टू बी 10% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन A0। इसको आप सॉल्व कर दें, ये कितना हो जाएगा? 10% आई थिंक 0.1 A0 के इक्वल आएगा, राइट? ठीक है, तो मुझसे टाइम पूछा गया, राइट? तो हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज T 90%, क्योंकि 90% कंप्लीशन है। नेचुरल लॉग में सॉल्व करें या फिर उस वाले फॉर्म में? चलिए उसी फॉर्म यूज कर लेते हैं। सो दैट इज 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 A0 अपॉन 80, फॉर्मूला यही होता है। चलिए 2.303 अपॉन के निकालना होगा ना, आप यहाँ से के निकालें, यहाँ से देखिए। अब मैं इसको इरेज नहीं, इरेज क्या करना है, यहाँ करते देखिए, आपको 0.693 अपॉन के की वैल्यू पता है कितनी है, दैट इज 10 मिनट्स। तो आप यहाँ से के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, के उधर चला जाएगा, ये नीचे आएगा, यानी कि ये हो जाएगा 0.693 अपॉन 10। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.0693, दिस इज द वैल्यू ऑफ के। सो ये वैल्यू आ रही है 0.0693। इतना तो कर ही सकते हैं, लॉग बेस 10 A0, AT की वैल्यू कितनी आई है? 0.1 A0, A0 A0 गया, ये हो जाएगा 2.303 अपॉन 0.0693 लॉग बेस 10। ये 0.1 है, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये वैल्यू क्या हो गई? 1, यानी कि वो सब कैंसिल हो गया, सिर्फ हमें इसको सॉल्व करना है। तो बस इसको सॉल्व कर दे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए कितना आएगा, दिस इज गोइंग टू बी 2.303 डिवाइडेड बाई 0.0693 एंड दैट इज गोइंग टू बी 33.23%। सो दैट इज गोइंग टू बी 33.23। आप टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, आप यूनिट देख ले किसमें दिया, मिनट्स में दिया था, तो ये भी किसमें आएगा? मिनट्स में, क्योंकि ये वैल्यू थोड़ी सी अप्रॉक्स होती है, तो ये वैल्यू भी थोड़ी बहुत अप्रॉक्स ही आएगी। तो आप इससे रिलेटेड ऑप्शंस देख लेंगे, ये होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट, 33 मिनट्स, सही है। चलिए आगे बढ़े, चलिए थोड़ा सा रिविजन करा दें हम कि अब तक आप फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या क्या सीख चुके हैं, राइट? ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कम्प्लीटली यहाँ पर फिनिश हो जाएगा आज के लेक्चर में। देखिए आपको K के लिए फॉर्मूला आ गया था, दैट इज K इज इक्वल टू 1/T नेचुरल लॉग A0 अपॉन 80, या फिर अगर आप नेचुरल लॉग नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे लिखेंगे 2.303 अपॉन T, और ये हो जाएगा लॉग बेस 10। इसको एक और फॉर्म में लिखा जा सकता है, ज़रूरत तो है नहीं, बट आपको बता देते हैं। देखिए दैट इज 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10। बताइए A0 को बुक क्या लिखता है? हाँ, A लिखता है, और AT को बुक क्या लिखता है? A माइनस X।
तो कई बार आपको ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है, या फिर हम भी कई बार इसको यूज करते हुए आपको दिख सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ए नॉट हम अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, वो बुक अपने लैंग्वेज में ए लिखता है। हम अपने लैंग्वेज में ए टी लिखते हैं तो बुक अपने लैंग्वेज में ए माइनस एक्स लिखता है, क्योंकि वो कहता है कि एक्स डिसोसिएट हो गया तो कितना बचा, ए माइनस एक्स। इसी तरह एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन बना था, दैट इज ए टी इज इक्वल टू ए नॉट ई रेस्ट टू द पावर माइनस के टी। यहाँ पर मुझे आपको एक चीज़ और सिखानी है। देखिए मैंने कहा था अगर log 2 की वैल्यू y है, या कुछ भी ले लीजिए वाई जेड, या मान लीजिए 5y है कुछ भी, और आप इसका एंटी लॉग लेते हैं। एंटी लॉग लेने का मतलब क्या होता है, इनको डिवाइड करते हैं log से ही। तो ये log 2 था, आप इसको log से डिवाइड किए तो ये भी हो जाएगा 5y अपॉन log। तो देखिए ये log log कैंसिल, यहाँ से क्या बचेगा सिर्फ 2, ये हो गया 1 अपॉन log। अगर जब आप एंटी लॉग लिखते हैं तो वहाँ पर आपको क्या डिफाइन करना होता है, e एक्सपोनेंशियल टर्म। सो e रेज टू द पावर, ये वैल्यू कितनी है 5y ना, तो इसके पावर में ये हो जाता है e के पावर 5y। एक बार फिर से देखें, ln 7x इज इक्वल टू माइनस 3t स्क्वायर। क्या आप मुझे इसको एंटी लॉग में बता सकते हैं? हाँ, एंटी लॉग लेने पे ये हो जाएगा 7x, क्योंकि ये टर्म्स गायब होगा, और ये हो जाएगा e के पावर माइनस 3t स्क्वायर। यानी ये जो वैल्यू होती है डायरेक्ट कहाँ जाता है, e के पावर में। एक चीज़, दूसरी चीज़ इसी का अपोजिट केस अब आपको समझना है, यानी कि जब आपको ऐसे टर्म्स दिए हों और अब कहें हम लॉग लेना है, अब हमको ये एंटी लॉग ले रहे थे, अब हम इसको लॉग में कन्वर्ट कर रहे, तो ये तो हो जाएगा वापस से ln 7x, ये भी हो जाएगा ln e के पावर माइनस 3t। आप ध्यान से देखिए तो ये लॉग है और e किसके लिए आता है, एंटी लॉग के लिए, तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाते हैं, यानी कि सिंपल सा आपको क्या मिलेगा, ln 7x इज इक्वल टू माइनस 3t स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी स्क्वायर कर लें। ये आपको रटना नहीं है, तो हम आपको सिखा देंगे कैसे यूज करते हैं। तो देखिए क्या ये वैल्यू फिर से यही मैच कर गई, हाँ। तो आज जो हम आगे यूज करेंगे वो इतना कॉन्सेप्ट है कि अगर कहीं एक्सपोनेंशियल टर्म्स आपको दिख जाए e के पावर माइनस 7l और हम कहें इसका आप लॉग ले, तो आप लिखेंगे लॉग लेने के ऊपर सिर्फ ये बचेगा क्या, माइनस 7l। हाँ, लॉग लेंगे तो ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म है ये एकदम गायब हो जाएगा, लॉग और ये, क्योंकि ये दूसरे का अपोजिट होते हैं, दूसरे को कैंसिल करेंगे, सिर्फ क्या मिलेगा आपको माइनस 7l। कर सकते हैं, तो चलिए नेक्स्ट हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस के टी, या ए नॉट माइनस ए टी अपॉन ए नॉट। आप इसको किसी फॉर्म में याद ना रखें, बस आप ये याद रखें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाई इनिशियल मोल्स। बस आप उस फॉर्म में आप वैल्यूज को रखें, चाहे वो जीरो ऑर्डर हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हमने देखा टी 50% हाफ लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 0.693 अपॉन के, या ln 2 अपॉन के। टी 100% कभी कैलकुलेट नहीं होता, क्योंकि रिएक्शन 100% कंप्लीट होगी ही नहीं, दैट इज इन्फिनिटी। टी 75% इन द टर्म्स ऑफ हाफ लाइफ, सो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। टी 87.5% दैट इज 3 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। टी 99.9% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। उसी तरह फिर एक और रिलेशन है जो कि हमें लगता है अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, कोई नहीं अब दिख रहा होगा, यस टी एक्स परसेंट। अब चाहे कितना हो परसेंट हो, ये तो फिक्स था ना 100, 75, 87.5, 99.9। अगर हम कोई भी रैंडम निकालना चाहें तो उसके लिए क्या है, 1/k नेचुरल लॉग। अगर आप लॉग बेस 10 लिखना चाहें तो यहाँ क्या आ जाएगा, हाँ डेट इज 2.303/k लॉग बेस 10 100/100-x। इस रिलेशन को हम कहीं यूज नहीं करते, लेकिन ये रिलेशन है बड़ी काम का हमारे। ये हमें बस हमेशा इस चीज़ का याद दिलाएगा कि जो टाइम टेकन है फॉर द कम्प्लीशन ऑफ एनी परसेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, यानी कि वो डिपेंड नहीं करता है ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन, क्योंकि इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन का कोई टर्म नहीं है, तो कभी भी इनिशियल कंसंट्रेशन के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करेगा। इसी रिलेशन को बताने के लिए बस इसको हम यूज करते हैं। आइए अब आज का हम अपना
पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिलेशन बिटवीन एटी एंड नंबर ऑफ हाफ साइकिल्स। अब कई बार आपको एटी का देगा कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ हाफ साइकिल्स का देगा कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको उनके बीच एक रिलेशन आना चाहिए। पहले आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ हाफ साइकिल्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। जब तक हमें ये चीज़ आइडिया नहीं लगेगी हम इसको नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम पहले वही आपको बताते हैं। देखिए, मान लीजिए कोई एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जिसके लिए 50% की वैल्यू, हाँ, हाफ लाइफ की वैल्यू है, मान लीजिए 2 मिनट्स, ठीक है। आप बताइए वो 4 मिनट में उसे कितने हाफ लाइफ हो सकते हैं? बहुत अच्छा, 2 हाफ लाइफ हो जाएंगे, क्योंकि 2 मिनट में 1 होते हैं तो 4 मिनट में 2 हो जाएंगे। सवाल ये कि तो छोटा सा तो हम आराम से कर रहे हैं, कई बार हमें डेसिमल्स में मिल सकता है, तो हम इसको रिलेट करना होगा एक रिलेशन से। तो देखिए, हम 4 मिनट में जब कैलकुलेट किए तो कैसे कैलकुलेट किए? पहले बात तो हम लिखेंगे n, n क्या है? इट इज़ द नंबर ऑफ हाफ साइकिल्स, जो कि 2 आया यहाँ पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू, जो टाइम मुझे दिया गया है, कितना टाइम है? 4 मिनट, यानी कि टाइम गिवन डिवाइडेड बाई, हाँ, t 50%, जो कि हाफ लाइफ के इक्वल है। अगर हम यहाँ से चेक करें तो भी वही वैल्यू मिलेगी। देखिए, टाइम गिवन कितना? 4 मिनट, और t 50% कितना दिया था? 2, डिवाइड किया कितना मिल गया? 2। यानी कि नंबर ऑफ हाफ साइकिल्स हम कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? इस फॉर्मूले से यूज करेंगे। ये फॉर्मूला कोई खास फॉर्मूला है नहीं, बट हाँ, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप इसको याद रखेंगे, क्योंकि हम जब भी नंबर ऑफ हाफ साइकिल्स कहेंगे कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको ये पता रहना चाहिए कि जितना टाइम दिया है डिवाइडेड बाई 1 में कितना लगा, t 50%। कर सकते हैं? चलिए, आइए। तो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ हाफ साइकिल्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? n से। अब ये रिलेशन तो याद ही है, k का फॉर्मूला क्या होता है? 1/t नेचुरल लॉग n0/80, या फिर 2.303/t लॉग बेस 10 n0/80। तो वो 2.303 जब हम लिखते हैं लॉग बेस 10 में, और ये नेचुरल लॉग में है, तो ये थोड़ा सा आप देख लें, क्योंकि हम तो एक ही करके यहाँ दिखाएंगे ना, आपको दोनों करना भी नहीं रहता है, बस आपको पता होना चाहिए, राइट। तो देखिए, आपको k का एक रिलेशन मिला है 1/t नेचुरल लॉग n0/80, दूसरा आपको पहले से ही पता है, दैट इज t 50%, जिसको हम क्या कहते हैं, 0.693/k, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है, या फिर दूसरा हम कैसे लिखते हैं, नेचुरल लॉग 2/k। तो हम इस वाले वैल्यू को यूज करेंगे इसके लिए। कर सकते हैं ना? तो चलिए, अगर कर सकते हैं तो देखिए, अगर मैं यहाँ से k निकालना चाहूँ, देखिए न्यू पेज पे करते हैं, तो मुझे क्या मिला, t 50% इज इक्वल टू ln 2/k। मैं k को इधर भेज दूँ, इसको इधर नीचे, तो क्या मिल जाएगा, k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 2/t 50% मिल जाएगा ना। तो बस इस वैल्यू को उठा के हम कहाँ रखेंगे, अपने इस पुराने रिलेशन में। तो एक k है, इसके जब मैं क्या लिख सकता हूँ, t 50% नेचुरल लॉग 2, देखिए यहाँ चले कहाँ, नेचुरल लॉग 2/t 50% दैट इज इक्वल टू, इसको भी लिख लें आप, 1/t नेचुरल लॉग n0/80। अब एक काम करते हैं, इस t को इधर भेज देते हैं, क्योंकि टाइम t गिवन है, जब हमें यहाँ मिल जाएगा तो ये हो जाएगा t/t 50% होगा ना, हाँ, इसका 2 कहाँ गया, चले आइए देखते हैं। तो अब हमें क्या मिलेगा, नेचुरल लॉग 2 × t, जो ये वाला t हम ऊपर भेज रहे हैं, ऊपर जाके (t) हो गया, और नीचे क्या बचा है, t 50%। हम इसको एक साथ क्यों लिख रहे हैं, इसके पीछे रीजन है। ये वैल्यू मुझे कहाँ मिलती है, n के लिए, नंबर ऑफ हाफ साइकिल्स, टाइम गिवन डिवाइडेड बाई हाफ लाइफ, इसलिए। देखिए और क्या बचेगा यहाँ पर, ये इधर ही चला गया, ये 1 है, हटा देंगे, यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, नेचुरल लॉग n0/80
आप बताएं क्या मैं इस पूरे टर्म को हटा के एन लिख सकता हूँ? हाँ, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है? नंबर ऑफ हाफ साइकिल्स की। तो मैं इसको लिख सकता हूँ नेचुरल लॉग 2 इंटू, ये क्या हो गया है, एन, दैट इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। देखिए तो ये नेचुरल लॉग 2 इंटू एन है, हम क्या करें इस एन को आगे कर लें, तो ये हो जाएगा एन नेचुरल लॉग 2 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ए नॉट अपॉन ए टी, इतना लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, क्या ये एन लॉग एम दिख रहा है क्या आपको? अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस एन को लॉग में लेके जाना चाहूँ तो ये मल्टीप्लाई में है, ये कहाँ जाएगा, इसके पावर में। अभी मैंने आपको सिखाया था रिवर्स केस, अगर पावर में हो तो उसको आगे लेके आते हैं, और अगर आगे मल्टीप्लाई में है तो उसको पावर में लेके जाते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिए दिस इज गोइंग टू बी एल एन टू रेस टू द पावर एन। बोले लिखा जा सकता है कि नहीं? हाँ लिखा जा सकता है ना, क्योंकि आप उसको सॉल्व करेंगे तो फिर से एन लॉग 2 ही बन जाएगा, और यहाँ क्या बचा है, नेचुरल लॉग ए नॉट अपॉन ए टी। आप देखिए ये भी नेचुरल लॉग, ये भी नेचुरल लॉग, दोनों कैंसिल कर दीजिए एंटी लॉग लेके, ये बच जाएगा 2 के पावर एन इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन ए टी। हमें कितना कैलकुलेट करना है, ए टी, तो हम इसको इधर भेज दें, ठीक है, ये हो जाएगा 2 के पावर एन इंटू ए टी इज इक्वल टू ए नॉट। अब क्योंकि मुझे सिर्फ ए टी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इसको इधर भेज दूँ, ये बन जाएगा ए टी इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 टू द पावर एन, या फिर आप इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिखना चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं हाफ रेस टू द पावर एन। देखिए ए नॉट को हटाएंगे तो ये 1/2 है, नंबर की अगर बात करते हैं ये 1/2 है, तो 1/2 और उसके पावर एन, क्योंकि 1 के पावर n लिखने का कोई मतलब नहीं, वो 1 ही आएगा, सिर्फ 2 के पावर n है जो कि इसके इक्वल है। तो आप चाहें इसको इस फॉर्म में याद रखें या फिर आप इस फॉर्म में याद रखें, वो आपकी चॉइस है। ये किसके लिए है, ए टी के लिए कर सकते हैं। तो आइए देखिए, देखिए आपको फॉर्मूला यही मिलेगा, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट हाफ रेस टू द पावर n, या फिर आप जो सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हैं, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 टू द पावर एन। जहाँ पे अगर हम बात करें तो ए टी क्या है, इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट लेफ्ट एट एनी टाइम टी, कितना बचा है, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट कितना लिया था आपने स्टार्टिंग में, और एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ हाफ लाइफ या हाफ साइकिल्स। एन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, टाइम गिवेन अपॉन टी 50%। नेक्स्ट देखिए एप्लीकेशन, हम इसको यूज कहाँ करेंगे, ये जो भी रिलेशन हमने बनाया ए टी इज इक्वल टू ए नॉट अपॉन 2 टू द पावर एन, ये वैल्यू हम कहाँ यूज करेंगे? तो बहुत सिंपल सा, दिस इक्वेशन या रिलेशन इज यूज्ड, पहला व्हेन गिवन टाइम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ लाइफ, जब कभी भी जो आपको टाइम दिया गया है किसी रिएक्शन के लिए, कितना रिएक्शन इतने टाइम तक हुआ, वो टाइम अगर हाफ लाइफ का इंटीग्रल मल्टीपल है, या तो हाफ लाइफ के इक्वल हो, या तो फिर उसका 2 गुना हो, 4 गुना हो, 6 गुना हो, 5 गुना हो, 3 गुना हो, तो वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। हाँ, आपको देखना है कि क्या वो हाफ लाइफ वाली वैल्यू, जो हाफ लाइफ की वैल्यू है, क्या उसके टेबल में कभी आ सकता है डिवाइड करने पे, एग्जैक्ट डिवाइड हो सकता है, अगर हो सकता है तो वहाँ पे आप इसी को यूज करेंगे। दूसरा, व्हेन गिवन कंसंट्रेशन इज अ मल्टीपल ऑफ 2, या फिर दूसरा कंडीशन ये है कि जो कंसंट्रेशन की अमाउंट दी गई है अगर वो 2 का मल्टीपल है, यानी कि 2 के पावर 4, 2 के पावर 7, 2 के पावर 3, या 2 ही हो या 4 हो, तो 4 को भी आप 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, यानी कि ऐसी कंसंट्रेशन वैल्यू जो कि 2 के पावर में लिखी जा सकती है, वहाँ पे भी हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं वो तो हम एक क्वेश्चन लेके अभी आपको दिखा देंगे, आप परेशान ना हो। देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ये आपका पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन, के फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1.386 मिनट इनवर्स, आपको के दिया गया है, दैट इज 1.386 मिनट इनवर्स, यानी ये कौन सा रिएक्शन हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिट से पता चल गया। कैलकुलेट द ए टी आफ्टर 3 मिनट्स, हमें टाइम दिया गया है दैट इज 3 मिनट्स, और हमसे ए टी पूछा जा रहा है, ठीक है,
इफ इनिशियल कंसंट्रेशन इज 2 मोलर, कहाँ गया, हाँ ए नॉट इज 2 मोलर। तो हमने कहा था आपको दो तरीके होते हैं चेक करने के लिए कि आपको यहाँ पे वो चीज़ यूज करनी है या नहीं। पहला तो आप चेक कर लिया करें हाफ लाइफ, हाफ लाइफ का गिवन टाइम यानी जो 3 मिनट दिया गया है इसी के मल्टीपल के फॉर्म में है या नहीं। तो पहले हम हाफ लाइफ कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो टी 50% की वैल्यू कैसे 0.693/K, तो ये हो गया 0.693/K। के की वैल्यू कितनी है 1.386। आप इसको डिवाइड करिए, ये हो जाएगा 1/3, राइट है, नहीं 2 होगा, ये हो जाएगा 1/2। तो ठीक है, ये आधा है और ये 3 है, तो आधा में कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा 6 बार। या फिर आप ऐसे देख लें इसको कितना कह सकते हैं हम 0.5, क्या 0.5 के टेबल में 3 मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। कितने टाइम्स में मिलेगा, 6 टाइम्स में। तो बस आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा लें n, पहला काम आपको क्या होता है नंबर ऑफ हाफ साइकिल्स कैलकुलेट करना। सो n इज इक्वल टू क्या होता है गिवन टाइम अपॉन t 50%। गिवन टाइम कितना यहाँ पर 3 और t 50%, आप हाफ लेंगे तो नीचे 1 आएगा ऊपर 2, या फिर 0.5 लेंगे तो 0.5 ले लें, डेसिमल हटेगा ऊपर जाके 0 बन जाएगा 30, इसको डिवाइड करेंगे ये 6 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपको n की वैल्यू भी मिल गई दैट इज 6। बस अब आपसे at कह रहा है तो आप at के लिए फॉर्मूला लिखे a नॉट अपॉन 2^n या फिर 1/2 लिखे, जैसा आपको सही लगे। हम ऐसे ही कर देते हैं, at की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, a नॉट पता है कितना है दैट इज 2 मोलर अपॉन 2^n, n की वैल्यू कितनी आई थी 6। अब देखिए ये ऊपर जाएगा डिवाइड है ना, ये 2 है, 2^6 डिवाइड है, इसके पावर 1 है, डिवाइड में माइनस हो जाएगा पावर, यानी कि वैल्यू कितनी हो जाएगी 2^-5। एक तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं या फिर अगर आपको यहाँ दिक्कत आ रही है तो आप बस इसको ऐसे लिख लें 2^6 को हम क्या लिख सकते हैं 6 times 2 लिख लेंगे 3, 4, 5 and 6। फिर एक 2 से एक 2 कैंसिल करते हैं, आपको क्या बचेगा 1/2 2^4 2^8 2^16 2^32। अब आप इसको कैलकुलेट कर देंगे तो आपको एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, यूनिट आएगी मोलर क्योंकि कंसंट्रेशन ही कैलकुलेट किया आपने। तो आप आंसर देख लें, आंसर इज, वेट अ मिनट, ये हाफ ठीक है, टाइम हमने कितना लिया 2 मिनट्स, ठीक है ठीक है ठीक है। आप अभी इस क्वेश्चन को ना क्या कर लेंगे, इसको आप 2 मिनट कर लें, क्वेश्चन में यहाँ मिसिंग है, जब 2 मिनट लेके करेंगे तो ये आपका आंसर सही आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो हमने n की वैल्यू कैलकुलेट की गई है, यहाँ पर t की वैल्यू क्या रखी गई है 2, यानी कि टाइम 2 मिनट्स लेके गया है, तो आप 2 मिनट के लिए ये सॉल्व करेंगे तो इतनी आएगी वैल्यूज, और अगर आप टाइम 3 के लिए सॉल्व करेंगे तो जो मैंने सॉल्व किया है 1/32 वही आंसर आएगा। तो आप एक बार घर पे दोनों ही क्वेश्चन करके देख लेंगे, कोई इशू नहीं है, ये करेक्शन आपको करना होगा, इसको आप यहाँ पर 2 मिनट कर लेंगे क्योंकि ये जो सॉल्यूशन है वो 2 मिनट का है, लेकिन जो मैंने एक्सप्लेन किया वो क्या था 3 मिनट का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आप अपने से कैलकुलेशन कर लिया करेंगे। ये है आपके लिए होमवर्क, सेम लाइन पे सब कुछ वही रहेगा, यहाँ पे आप टाइम ड्यूरेशन देख लेंगे, अगर अच्छे से विजिबल नहीं है तो ये है 18 सेकेंड्स, कितना है 18 सेकेंड्स हैं, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स, टी 100% इज इनफाइनाइट। हाँ हमें पता है कंप्लीशन टाइम क्या होता है, इनफाइनाइट होता है इन केस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रीजन बहुत ही क्लियर है, कभी भी हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 100% कंप्लीट नहीं होगा, अगर वो होगा ही नहीं तो फिर हम उसके लिए कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये हमने न्यूमेरिकली भी देखा, मैथमेटिकली भी देखा और साथ साथ हमने ग्राफ से भी इसको देखा था। अब देखिए यहाँ पर हम एक छोटी सी तरीका सीखते हैं, जो भी आपको वैल्यूज याद हैं, कौन कौन सी वैल्यू, हाँ t 75% क्या होता है दैट इज
टू इंटू टी हाफ, टी 87.5% क्या होता है 3 इंटू टी हाफ। तो ये वैल्यूज कहाँ से आई हैं, ये वैल्यूज क्या सच में सही हैं? डिराइव तो करके हम लोग देख लिए, एक यहाँ पे भी तरीका होता है कॉन्सेप्ट से, आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं या फिर यहाँ से याद भी रख सकते हैं। फिलहाल याद रखने की जरूरत नहीं, याद तो आपको पहले से ही हो चुका है। देखिए ये क्या होता है, इसके लिए एक छोटा सा स्टेटमेंट है, आप स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेम फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ द रिएक्शन, यानी कि अगर हम 10% बात करें या 20%, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जब पहली बार 20% रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो मान लीजिए उसके लिए 10 मिनट लगा, तो जो बचा उसका 20% फिर कंप्लीट होने में आपको 10 मिनट लगेगा, फिर जो रिएक्शन का कंसंट्रेशन बचा फिर उसका 20% 10 मिनट लगेगा। ध्यान रहे ये इनिशियल रिएक्शन का 20% हम बार बार नहीं ले रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं मेरे पास मान लीजिए 10 मोलर रिएक्शन था, मैंने उसका 10% कंप्लीट किया 15 मिनट में, तो कुछ बच गया होगा, फिर जो बचा उसका 10% कंप्लीट होगा फिर 15 मिनट में, फिर बचेगा, फिर जो बचेगा उसका 10% कंप्लीट होगा 15 मिनट में, यानी कि जो वैल्यू बचेगी उसकी एक फिक्स परसेंटेज अगर आप बार बार लेते चलें तो टाइम इंटरवल भी सेम रहेगा, टाइम इंटरवल भी क्या होता है सेम रहता है। देखिए यही चीज़ यहाँ लिखी गई है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेम फ्रैक्शन या परसेंटेज ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। अगर आप किसी भी फिक्स परसेंटेज की बात करें, जितना है उसका 10%, फिर जो बचा उसका 10%, फिर जो बचेगा उसका 10%, अगर हम देखें तो सब में लगने वाला टाइम बिल्कुल सेम ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिखा है, ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ आपको समझने के लिए होता है। मान लीजिए इनिशियली मैंने लिया एनॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन हम एनॉट ही लिखते हैं, और वो 10% कंप्लीट होता है, कितना 10% कंप्लीट होता है, तो बताइए कितना परसेंट बचा 90%। तो देखिए 90% ऑफ एनॉट, मैंने आपको बताया था ना शॉर्ट वे में लिखना, खैर छोड़ जाने दीजिए, नहीं याद है तो ऐसे लिखे, परसेंटेज को 100/A0, 0 से 0 गया, इसको सॉल्व करिए देखिए कितना बचेगा 0.9 A0। तो मैंने मान लिया है कि इस 10% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए 5 मिनट टाइम लगता है, तो इसलिए A0 था, ठीक है 90% बचा क्योंकि 10% तक खत्म हो गया, तो 10% डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगा 5 मिनट। अब ये जो बचा है इसका फिर से 10% डिकम्पोज होने में 5 मिनट लगेगा, ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि अब जो बचा है उसका 10%, मैं इसका दोबारा 10% नहीं ले रहा क्योंकि ये तो पहले 10% ले चुके थे ना, अब जो बचा इसका 10% डिकम्पोज होने में फिर 5 मिनट ही लगेगा, यही ये स्टेटमेंट कह रहा है। अगर आप 20% लेके चलते तो हर बार 20% रहता, टाइम 10 15 20 जो भी लेके चलेंगे वो टाइम वही रहेगा, टाइम भी चेंज नहीं होगा और ये फ्रैक्शन वाले परसेंटेज भी चेंज नहीं होगी, सिर्फ चेंज क्या होगा बचने वाली कंसंट्रेशन की अमाउंट। क्लियर है? तब देखिए क्योंकि आपको ये पता चल गया तब इसका 10% डिकम्पोजिशन हो गया तो कितना बचेगा फिर 90% बचेगा। अब 90% किसका बचा, इसका, यानी कि 90% ऑफ 0.9 A0, इसको भी सॉल्व कर ले, हो जाएगा 90/100 अब 0.9 A0, देखिए ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 0.9 होगा और 0.9 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.81 A0। अब देखिए 0.9 से 0.81 A0 आने तक कितना टाइम लगा होगा, फिर से वही 5 मिनट क्योंकि ये 10% ही कंप्लीट हुआ। अब फिर से इसको अगर 10% डिकम्पोज कराना है तो फिर 90% बचेगा, तो उसको बचने के लिए कितना टाइम लगेगा, फिर से वही 5 मिनट लगेगा, यानी कि टाइम ड्यूरेशन ऑफ फ्रैक्शन यानी कि परसेंटेज वाली जो पार्ट है अगर हम उनको सेम रखें तो हमें वैल्यूज में कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा, वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं। देखिए पहले क्या था मेरे पास A0, फिर क्या मिला मुझे 0.A0, अब क्या मिला मुझे 0.81 A0। अभी आप इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर सकते हैं, आप देखेंगे तो 0.81 A0 ये बचा है आपके पास, आप चाहते हैं इसको और 10% डिकम्पोज करा दें तो फिर टाइम उतना ही लगेगा 5 मिनट। तो देखिए 10% डिकम्पोज होगा तो कितना बचेगा, फिर से 90% किसका, इसका, तो देखिए फिर से 90% ऑफ 0.81 A0, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो मुझे जहाँ तक लगता है ये होगा 0.729, आप करके देख लीजिएगा।
9 1 9 9 8 72 0 हाँ 0.729 ए नॉट आएगा, ये बात समझ में आ रही है। हाँ यानी कि हम एक चीज़ कह सकते हैं कि मेरे पास कोई एक रिएक्शन है उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन पता है, अगर मैं उसको हर बार एक फिक्स परसेंटेज रख लूँ और उतना डिकम्पोज कराते चलूँ तो जितना टाइम लगेगा वो क्या होगा, हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, यानी कि टाइम चेंज नहीं होगा। कर सकते हैं, आइए देखिए यहाँ से एक थोड़ा सा रिलेशन हम बनाएंगे जो कि बिल्कुल आसान सा है और वो आपको प्रूफ भी करेगा कि आप हाफ लाइफ की हेल्प से कैसे क्वेश्चंस को कर पा रहे थे। देखिए यही चीज़ यहाँ लिखा गया है, फॉर सेम टाइम इंटरवल कंसंट्रेशंस आर इन जीपी। जैसे आप लोग अगर बायो के बच्चे हैं तो आप लोग 9th 10th में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा, एपी पढ़ा है ना मैथ्स में, वैसे ही 11th के बच्चे पढ़ते हैं, आप लोग नहीं पढ़े होंगे, जो 11th 12th वाले बच्चे हैं मैथ्स के वो बच्चे जान रहे हैं जीपी क्या होती है, दैट इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। एपी में क्या होता है, एक फिक्स नंबर सभी नंबर्स में ऐड होता जाता है, जबकि जीपी में क्या होता है, एक फिक्स नंबर सभी नंबर में मल्टीप्लाई होता जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये जीपी फॉलो करता है, यानी कि एक फिक्स नंबर हमेशा मल्टीप्लाई होते हुए आगे बढ़ता है। और आप देख सकते हैं हर बार 10% डिकम्पोज हो रहे, यानी मल्टीप्लाई कितने को हो रहा है, 90% का। इसमें 90% का मल्टीप्लाई किए थे तो 0.9 ए नॉट आया, फिर 90% का मल्टीप्लाई किए तो 0.81 ए नॉट आया, फिर 90% का मल्टीप्लाई किए तो 0.729 आया। इसीलिए हम एक फिक्स नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब इसके जो कंसंट्रेशंस होंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के वो क्या फॉलो करते हैं, जीपी फॉलो करते हैं। जीपी स्टैंड फॉर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो बस आपको ये सब याद नहीं होता कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन क्या होता नहीं होता, बस ये याद रखना है कि हाँ जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस होती हैं उनकी कंसंट्रेशंस की अमाउंट जीपी को फॉलो करती हैं। अब ये है हमारा प्रूफ जो हमने अभी लर्न किया था, उसको हम यहाँ पर अब प्रूफ करेंगे, क्या ही हो जा रहा है। चलिए ठीक है, देखिए हाँ मान लीजिए मेरे पास इनिशियली कितना था, ए नॉट, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन हम ए नॉट ही लेते हैं, ठीक है। और फिर मैंने कहा कि 50% कंप्लीट होता है, यानी कि हाफ लाइफ के बाद 50% मतलब होता है आधा, हाँ याद रखिए 50% मतलब होता है आधा। तो ए नॉट यहाँ था तो इसका आधा मुझे बचा हुआ मिलेगा, क्योंकि आधा तो डिकम्पोज हो गया, तो आधा यानी कि ए नॉट अपॉन टू। आधा हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई करके, तो ए नॉट में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए नॉट बाई टू हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नंबर को 2 से डिवाइड करके, तो हमने ए नॉट बाई टू को 2 से डिवाइड किया तो ए नॉट को 2 से डिवाइड किया तो क्या मिल गया, ए नॉट बाई टू। अब फिर 50% इसको डिकम्पोज कराएंगे, ध्यान रहे जो बचा है उसको 50% डिकम्पोज कराएंगे, यानी कि इस ए नॉट बाई टू को फिर डिकम्पोज कराएंगे तो कितना हो जाएगा, उसका आधा, तो ए नॉट बाई टू था उसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए नॉट बाई फोर। अब बताइए अगर फिर इसको 50% डिकम्पोज कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ए नॉट बाई एट, और फिर कराएंगे तो ए नॉट बाई 16, और आगे अगर कराते रहे तो ए नॉट बाई 32, फिर भी करेंगे तो ए नॉट बाई 64, ऐसे ए नॉट बाई 128, ये लगातार चलता रहेगा और ये कभी खत्म नहीं होगा। हाँ यही चीज़ तो बता रहे थे हम कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती, वो लगातार चलती जाएगी, नंबर छोटा होता जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, लेकिन जीरो नहीं आएगा। चलिए ये चीज़ हो गई एक बात। अब देखिए ये क्या हो गया, पहले कितना डिकम्पोज हुआ था इनिशियली, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो डिकम्पोजिशन 0% रहा होगा, बाद में उसने कितना डिकम्पोज हो गया, इसका आधा हो गया, यानी 50% डिकम्पोज हुआ, फिर उसका 50% डिकम्पोज हुआ। तो देखिए 50% पहले ही था, 50 का और आधा यानी कि 25 हो गया, हुआ ना 50 डिकम्पोज हुआ था यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 50% डिकम्पोज हुआ था, फिर यहाँ से इसका आधा हुआ तो कितना डिकम्पोज हुआ, इसका आधा यानी कि 25% और डिकम्पोज हो गया, तो कितना हो गया 75% डिकम्पोजिशन, यानी कि यहाँ पर 75% हो गया। अब देखिए फिर वो 25% जो था ये इसका आधा और डिसोसिएट होगा तो ये हो जाएगा अब 12.5%, इसको ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 87.5%। अब ये जो 12.5% बचा है अगली लाइन में ये और आधा हो जाएगा, यानी 12.5% को सॉल्व करेंगे आधा तो 6.25 होगा,
इसको भी ऐड करेंगे तो 84, 96 90 पॉइंट समथिंग आएगा। ये कितना है? हाँ 5 है ना, 90.75% आएगा ऐसे। फिर आप 6.25 को भी आधा कर दे, ये आधा करते करते आपका टाइम आगे चलता जाएगा। एक तो ये तरीका होता है ये पता लगाने का कि डिकम्पोजिशन कितना हुआ। तो पहले 0%, फिर 50%, फिर 75, फिर 87.5, फिर 93। अच्छा सॉरी 84 नहीं, वो 87 था ना। हाँ तो 87 में जब आप 6 ऐड करेंगे तो 93 हो जाएगा, 93.75। फिर आप उसमें ऐड करेंगे तो और आगे वैल्यू बढ़ती जाएंगी। ये सब कुछ आपको रटना नहीं है, बस हम आपको दिखाएंगे समझाएंगे और आप सबको भूल जाएंगे। इसको बिल्कुल रटने की ज़रूरत नहीं है। इतना समझ में आ गया? इसको और एक तरीका होता है कैलकुलेट करने का। देखिए ए नॉट से ए नॉट बाई 2 बचा, यानी कि आधा बचा, 50% डिकम्पोज हो गया। ए नॉट बाई 4 बचा, ए नॉट बाई 4 बचा, यानी कि उसका सिर्फ 25% बचा है। 1/4 यानी 25% बचा, तो कितना खत्म हो गया? 75। ए नॉट बाई 8 यानी कि 25% बचा था, तो ये कितना बचा? 12.5%। तो ये कितना खर्च हो गया? 87.5। ये देखिए कितना हुआ, 6.25% बचा है, तो कितना ये डिकम्पोज हो गया? 93.75%। तो जैसे आपको नीचे वाला अगर कैलकुलेशन टफ लगती है तो आप बिल्कुल ऐसे देखें कि पहले 100% था, ठीक है, तो डिकम्पोज कितना हुआ? 0। अब ये 50% बचा तो डिकम्पोज कितना हुआ? 50%। अब ये 25% बचा, इसका आधा 25 बचा, तो ये कितना खत्म हो गया होगा? 75% खत्म हो गया होगा। अब इसका आधा बचा यानी कि 12.5% बचा, तो फिर ये कितना बचा होगा? सॉरी कितना डिकम्पोज हो गया होगा? 87.5%। ऐसे कैलकुलेट करेंगे 100% में से माइनस करके। अब आपके माइंड में ये सवाल आएगा, सर ये वैल्यू कहाँ से आई? इनिशियली 100% था, फिर आधा हुआ तो 50%, फिर उसका आधा, क्योंकि 50% यानी उसका आधा 25%, फिर उसका आधा हुआ तो 12.5% और उसका आधा हुआ तो 6.25%। कर सकते हैं? चले अब सवाल ये कि जो मुझे समझना था वो क्या है। अब देखिए ए नॉट से ए नॉट बाई 4 जाने के लिए कितना परसेंट डिकम्पोजिशन हो गया? देखिए यहाँ से यहाँ आने में 50%, यहाँ से यहाँ आने में 25%, यानी कि 100 से 25% आने में कितना डिकम्पोजिशन हो गया? 75% डिकम्पोजिशन हो गया, यानी कि हम कितना टाइम लगा होगा? दैट इज टी 75% लगा होगा। अब ध्यान से देखें तो ये कितनी बार आधा हुआ है? एक बार यहाँ से यहाँ आया, आधा हुआ एक बार, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने में एक बार और हुआ, यानी कितनी बार हो गया टोटल? 2 times। यही चीज़ तो आपको भी याद है, टी 75% क्या होता है? 2 × t 50% के इक्वल होता है। इसी तरह से अब हम इसको यहाँ से ए नॉट से लेके यहाँ तक हो गया ना, एक बार ए नॉट बाई 8 तक आते हैं, तो देखिए कितना बचा है? 12.5% कितना खत्म हो गया? टी 87.5% यहाँ से कैलकुलेट होगा। तो बस आप देखिए कितनी बार आधा किया गया है वहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2 और यहाँ से यहाँ 3, यानी कि 3 × t½ या t 50%। कर सकते हैं? इसी तरह आप चाहें तो ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 93.75% कम्प्लीशन है, यानी कि आप यहाँ से टी 93.75% भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसके लिए कितनी बार आधा किया गया होगा यहाँ तक पहुँचना है मुझे, यहाँ से तो 1, 2, 3 और एक ये 4, यानी कि 4 बार, दैट इज इक्वल टू 4 × t½ या t 50%। तो ये जो चीज़ आपको सिखाई गई ना वो सब कुछ ऐसे ही आता है। फिलहाल आपको इसमें से कुछ रटने की चीज़ें नहीं थी, आपको पहले से ही ये सारी चीज़ें याद थी। हाँ कि टी 75% क्या होता है? दैट इज 2 × t½। टी 87.5% कितना होता है? 3 × t½। एक नया आप यहाँ सीख रहे हैं जो कि ज़रूरत है ही नहीं। हाँ अगर याद रह जाए तो ठीक है, और ना रहे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ एक और याद रखेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टी 99.9%। ये कितना होता है? 10 × t½ होता है। तो बस जो आपको सिखाया गया था ये उसका प्रूफ था कि हाँ इसको यहाँ से भी निकाला जा सकता है, लोग इसी को ट्रिक कह के समझाते हैं। तो फिलहाल आप इसको चाहे जो कहना हो कहिए, हमें इसकी कोई ज़रूरत थी भी नहीं और आगे भी नहीं होगी, क्योंकि हमें जो चाहिए था हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ, ग्राफ बिटवीन 80
ln, सॉरी ग्राफ बिटवीन t ln 80 एंड log बेस 1080। अब हम टाइम और नेचुरल log 80 और log बेस 1080 के बीच ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ बहुत सिंपल से होंगे, तो रिलेशन तो आपको पता ही है क्या होता है, 80 इज इक्वल टू, हाँ एक फॉर्मूला आपने सीखा है, a नॉट अपॉन 2 टू द पावर n। ये कब यूज करते हैं, जब नंबर ऑफ हाफ साइकिल्स कैलकुलेट करना हो, या दिया हो, या टाइम ड्यूरेशन वगैरह दिया हो, हाफ लाइफ दिया हो। फिलहाल हम इसको यहाँ यूज नहीं करेंगे, हम इसे पुराना वाला यूज करेंगे, 80 इज इक्वल टू, ये गलत नहीं है, इसको हम यूज यहाँ नहीं करेंगे, बस a नॉट e टू द पावर माइनस के टी, यहाँ पर ये नॉट होगा। अब बस क्या करना आपको, देखिए हमारे रिलेशन में आपको पता चलेगा कि हमें क्या क्या चाहिए, टी चाहिए और एल एन चाहिए, नेचुरल लॉग। पहले बात तो आप नेचुरल लॉग ले ले दोनों का, जब आप नेचुरल लॉग लेंगे दोनों साइड, ये हो जाएगा एल एन ए टी होगा, फिर आप इसका भी लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी, बनेगा क्या? हाँ चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तब फिर ये देखिए, इसको आप ऐसे ही रहने दें, नेचुरल लॉग 80 इज इक्वल टू, ये देखिए लॉग m इंटू एन है क्या, हाँ तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, लॉग m प्लस लॉग n, यानी कि एक बार आप लिखेंगे नेचुरल लॉग a नॉट प्लस दूसरी बार लिखेंगे नेचुरल लॉग e टू द पावर माइनस के टी, लिखेंगे इसको आप ऐसे लिख लें, नेचुरल लॉग 80 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग a नॉट। अब देखिए ध्यान से, ये नेचुरल लॉग भी है और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल e भी है, क्या दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा सिर्फ माइनस के टी, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस के टी। ये चीज़ अभी आपको हम सिखा रहे थे क्योंकि आगे यूज करना था मुझे, ये आपको एक रिलेशन मिल गया। तो देखिए ग्राफ बनाना है, पहला ग्राफ हमें बनाना है दैट इज टाइम टी एंड नेचुरल लॉग 80 के बीच। तो देखिए नेचुरल लॉग 80 हमारा वाई एक्सिस पे, तो हम यहाँ वाई लिख देंगे, ये एक कॉन्स्टेंट टर्म है तो आप इसको सी लिख लें, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होता है, हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, हमने बात की थी माइनस के हमारा क्या हो जाएगा एम, और टी क्या हो गया एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है। तो ग्राफ कैसा बन गया, वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो देखिए माइनस एम एक्स मतलब ग्राफ नीचे आएगा, प्लस सी का मतलब ओरिजिन के ऊपर से, मान लीजिए यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ और वो नीचे आ रहा है, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए इसकी जो स्लोप होगी, ये स्लोप m वो किसकी इक्वल हो रही है, माइनस k की इक्वल हो रही है, ये जो स्लोप m है वो किसकी एक जगह पे आ रही है, दैट इज माइनस k, तो इसका स्लोप आपका नेगेटिव आएगा माइनस k। और इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होता है, ये जो गैप यहाँ से यहाँ तक जो c की वैल्यू होती है इसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। अगर हम इसकी इंटरसेप्ट लिखने चलें तो इंटरसेप्ट क्या है, अभी तो हमने बताया c की वैल्यू, तो c किसके जगह पर लिखा गया है, देखिए c की जगह पर क्या है यहाँ पर नेचुरल लॉग a नॉट, तो यही होता है इसका इंटरसेप्ट, यानी कि नेचुरल लॉग a नॉट। तो बस इसका इंटरसेप्ट आ गया और इसकी स्लोप मिल गई, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कर सकते हैं। हाँ ठीक है, और हमें लगता है एक और ग्राफ बनाना है क्या, यहाँ पर लॉग बेस 10 का भी बनाना पड़ेगा, वो आपको छोड़ दें हम, देखें आपको होमवर्क देना चाहिए मुझे, तो वो फिलहाल आप नेचुरल लॉग 80 और टी का ग्राफ देख लें, इंटरसेप्ट आएगा नेचुरल लॉग ए नॉट और स्लोप आएगा आपका माइनस के, ठीक है। नेक्स्ट तो मुझे लगता है आपको होमवर्क दिए होंगे हम, हाँ ये ग्राफ आपके लिए होमवर्क है, आपको भी इस ग्राफ में भी वही काम करना है। पहले आप क्या करेंगे, रिलेशन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, रिलेशन बनाने के बाद आप उसकी इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेंगे और स्लोप, ये चीज़ आपको कंप्लीट करना जो हम किए हैं। हाँ कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, आप सवाल उठा क्यों, तो देखिए कैलकुलेशन तो मैंने आपको यहाँ पहले ही कर दिया है, जो नेचुरल लॉग 80 के लिए कैलकुलेशंस की गई थी, आप यही कैलकुलेशंस लॉग बेस 10 में भी यूज कर लेंगे। देखिए कैसे, देखिए जो नेचुरल लॉग 80 है हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2.303 लॉग बेस 1080,
नेचुरल लॉग को बेस 10 बनाते तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसको भी वही कर दिया हमने, और यहाँ पे माइनस के टी जैसा था वैसे रख दिए। अब आप देखेंगे तो आपके एक्सिस पे आपको सिर्फ लॉग ए नॉट चाहिए, सॉरी लॉग 10 ए टी चाहिए, तो आपको ये नंबर हटाना होगा। तो आप इस नंबर से क्या करें, दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। तो ये नंबर डिवाइड करेंगे तो इधर से कैंसिल हो जाएगा, ये नंबर यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये भी कैंसिल होगा, और फिर ये नंबर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2.303, क्योंकि यहाँ पे था ये डिवाइड होके कैंसिल हो गया, यहाँ था ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2.303 नहीं था इसलिए डिवाइड होके कैंसिल नहीं होगा, तो हमें रिलेशन ये मिल जाएगा, दैट इज लॉग बेस 10 ए टी इज इक्वल टू लॉग बेस 10 ए नॉट माइनस के टी अपॉन 2.303। पूरा रिलेशन यहाँ से बनाया गया है, बस आपको ग्राफ ऐसे बनाना है और उसके लिए इंटरसेप्ट और स्लोप को डिफाइन करना है। कर सकते हैं, चलिए ये क्वेश्चन हो गया ना। नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गया, देखिए अभी जो हमने सीखा उसी के बेस पे ये क्वेश्चन है। क्या दिया है, सेकेंड प्रैक्टिस क्वेश्चन, m tan थीटा हमें दिया है, दैट इज स्लोप की वैल्यू माइनस के दिया है, वो नहीं भी दिया होगा, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको नहीं दिया रहेगा, आपको खुद से कैलकुलेट करना होगा, तो हमें पता है कि ये अभी कैलकुलेट करके हमने देखा था कि नेचुरल लॉग ए टी और टी के बीच का स्लोप कितना होता है, माइनस के इक्वल होता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट विल बी लेफ्ट आफ्टर 168 सेकेंड्स, हमें टाइम दिया गया है, दैट इज 168 सेकेंड्स, और हमें m की वैल्यू दी गई है माइनस वन, दिया है ना, नहीं दिया है, सॉरी ये हमें ये नहीं दिया, हमें यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, m तो हमें कैलकुलेट करना है, थीटा इज गिवेन दैट इज 135 डिग्री। ओके सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट, हाँ नेचुरल लॉग 2 की वैल्यू वैसे होती कितनी है, 0.693, कितनी होती है 0.693, लेकिन ये कहा कि आप इस कैलकुलेशन में, इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में आप इसको कितना ले लें, 0.7 ले लें, और ए नॉट की वैल्यू दी गई है, ए नॉट इज गिवेन दैट इज 4 मोलर। तो बस पहले तो आप इसे स्लोप कैलकुलेट करें, m क्या होता है, दैट इज tan थीटा, और tan थीटा किसके इक्वल होने वाला है, tan थीटा इज दैट इज 135। अब जो बच्चों को पता है कि हम 135 डिग्री को tan 90 प्लस 45 लिख सकते हैं, तो वो यहाँ से ऐसे समझेंगे, और जिसको नहीं पता रहेगा वो एक वैल्यू याद रखेगा, दैट इज tan 135 डिग्री की वैल्यू होती है हमेशा माइनस वन। अब फिलहाल जो बच्चे जानते हैं क्योंकि 90 में सिखाया गया रहता है, वो आपको यहाँ से देखना है। सो देखिए tan 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cot थीटा होता है, देखिए माइनस cot 45 डिग्री, cot 45 की वैल्यू 1 होती है और ये माइनस है, यानी कि माइनस 1 आ गया, ठीक है। एक चीज़ और आपको पता है, जो स्लोप है, जो क्वेश्चन में आपको स्लोप दिया गया है वो स्लोप किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू माइनस के, तो आप इसको किसके इक्वल करते हैं, माइनस के, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपको के की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 1। आप थोड़ा सा यूनिट देखना पड़ेगा आपको, हाँ किस में दिया, मिनट में, तो ये इसकी यूनिट भी क्या आएगी, मिनट, ये चीज़ समझना है आपको। यहाँ तक तो कैलकुलेट कर लिया आपने, लेकिन इसको आपको इक्वेट करने आना चाहिए। कैसे किया मैंने, देखिए मैंने अभी tan थीटा कैलकुलेट कर लिया, कितना है, दैट इज माइनस 1, और हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जब हम ये ग्राफ बनाते हैं तो हमारा जो m होता है स्लोप किसके इक्वल होता है, माइनस k के। अभी देखिए हमने यहाँ कराया था, ये नहीं, ये तो क्वेश्चन है, फिर से क्वेश्चन ही आ गया। देखिए ये आपको दिख रहा होगा m की वैल्यू क्या आती है, माइनस के इक्वल आती है, तो बस उसी चीज़ को हम यहाँ पे इक्वेट कर देंगे, क्योंकि m की वैल्यू माइनस के है और m किसके इक्वल होता है, tan थीटा के, और tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है, दैट इज माइनस वन। आप सोच सकते हैं क्या माइनस के और माइनस वन इक्वल होंगे, बिल्कुल सेम चीज़ ही तो है, तो आप इनको लिख लें, और यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 मिनट इनवर्स। ये तो अभी हमें के मिला है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, 168 सेकेंड्स पे हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो देखिए आप यहाँ से t 50% कैलकुलेट कर लें,
देख क्या होता है 0.693 अपॉन के, तो ये हो गया 0.693 अपॉन के। के की वैल्यू कितनी है 1, आप यहाँ 1 लिख दें, सॉल्व करेंगे तो फिर से वही आएगा, दैट इज 0.693। ये आ गया आपका हाफ लाइफ, यूनिट क्या होगी मिनट। चलिए यहाँ तक तो सही है। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एटी मुझे कैलकुलेट करना है ना। देखिए टाइम कितना दिया था, टाइम इसमें कहीं दिया है नहीं, तो टाइम कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन हाँ 168 सेकेंड्स। तो देखिए एटी का फॉर्मूला दैट इज ए नॉट 2 to the power n। हम क्यों इसको यूज कर रहे हैं आप एक बार देख लें। फिलहाल हम क्या करें, n कैलकुलेट कर लें। n कैसे कैलकुलेट होता है, दैट इज टाइम गिवेन अपॉन t 50%। तो टाइम कितना दिया गया है, दैट इज 168 सेकेंड्स, और t 50% कितना आया था, दैट इज 0.693 मिनट है, और ये क्या है सेकेंड्स। हाँ तो यहाँ आपको देखना होगा ना, ये 168 सेकेंड्स को या तो मिनट बना दीजिए, या तो फिर ये जो वैल्यू आपके के की आई है मिनट की, इसको क्या बना लें आप सेकेंड्स। तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड इनवर्स, एक मिनट किधर गया, ठीक है तो वो 1 मिनट इनवर्स है ना। तो ये 0.693 मिनट को आप सेकेंड्स बनवा सकते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओहो एक मिनट इसको रोकना होगा, हाँ ठीक है। देखिए ये मिल गया हमें 168 सेकेंड्स, तो पहले आप मिनट बना लें इसको, तो सेकेंड्स को मिनट बनाने के क्या करते हैं 60 से डिवाइड करेंगे ना, तो 60 से डिवाइड करिए देखिए क्या हो जाएगा 28 अपॉन 10, तो आप सॉल्व करते तो ये हो जाएगा 2.8 मिनट। ठीक है आप टाइम मिल गया, तो टाइम को आप यहाँ पे लिखेंगे 2.8 अपॉन टी 50% कितना आया था, 1 मिनट आया था, फिर से देखना पड़ेगा कितना आया है 0.693 मिनट। एक मिनट ये वैल्यू हमें कितना कहा गया लेने के लिए, 0.7 ना, हाँ कैलकुलेशन 0.693 को राउंड ऑफ करेंगे तो वैसे भी 0.7 आता है, तो आप इसको कितना लिख लें 0.7 लिख लें, तो आप इसको 0.7 लिखेंगे तो देखिए डेसिमल गायब हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 4, यानी एन की वैल्यू आ गई आपकी 4। तो बस ए टी की वैल्यू, ए नॉट कितना दिया है 4 मोलर अपॉन 2, एन की वैल्यू कितनी आई 4, इसको आप सॉल्व करें ये हो जाएगा 4 अपॉन 2 के पावर 4 को 4 टाइम्स लिख लें 3 4, ये देखिए 2 2 जा 4 4 कैंसल, क्या बचेगा 1 अपॉन 4। ठीक है तो 80 की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25 80 यानी कि मोलर, ये आ गया आंसर। आप हाँ आंसर चेक कर लें, यह आएगा 0.25 मोलर, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2.5 × 10⁻¹ मोलर। तो अब उसी बेस पे आपको होमवर्क, हाँ ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप इसको देख लें। नेक्स्ट एक और छोटा सा टॉपिक बचा है, फिर उसके बाद मेरे पास 2 क्वेश्चंस हैं आपको वो कराने हैं, और फिर उसके बाद लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। देखिए व्हेन कंसंट्रेशन एट 2 different times आर गिवेन एंड इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट इज नॉट गिवेन, अब आपको हो सकता है कई बार 2 अलग अलग टाइम पे आपको कंसंट्रेशन दे देगा, लेकिन इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है वो देगा ही नहीं, तो आप फिर कैसे सॉल्व करेंगे उन क्वेश्चंस को। हाँ तो उसके लिए भी बहुत सिंपल सा, आप वही पेटेंट वाली हमारी रिएक्शन लिखें, दैट इज ए गोज टू पी, कोई एक रिएक्टेंट है ए और वो रिएक्ट करके क्या बन रहा है
प्रोडक्ट पी बना रहा है। नहीं होगा, कोई नहीं, चलिए हम आपको दूसरे पेज पर करा देते। ए गोज टू पी, देखिए टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर इसका कंसंट्रेशन कितना होता है ए नॉट, अलग अलग टाइम पे दिया है तो टाइम इक्वल टू टी वन पे ये हम लिखेंगे अब ए टी वन, क्योंकि जब टाइम इक्वल टू टी लिखते थे तो ए टी लिखते थे, ये टी वन है तो ए टी वन। दूसरा टाइम टी इज इक्वल टू टी टू पर ए टी टू, इतना तो लिख ही सकते हैं, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगर मैं टी के लिए फॉर्मूला लिखने चलूँ तो क्या होता है, दैट इज 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन ए टी। ये किस में है, लॉग बेस 10 में। अगर आप लॉग बेस 10 में लिखना चाहें तो देखिए टी वन कैलकुलेट करिए, टी वन के लिए आप क्या लिखेंगे 2.303 के सेम रहेगा क्योंकि रिएक्शन सेम है, दैट इज लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन। अब ए टी लिखेंगे कि ए टी वन, हाँ ए टी वन क्योंकि टाइम टी वन ले रहे हैं हम। इसी तरह से आप अगर टी टू लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन, इस पर हो जाएगा ए टी टू। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर वन, ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर टू। अब आप क्या करिए, टी वन टी टू आपको दिया गया रहेगा तो आप इन्हीं के विश्लेषण निकालना, तब टू माइनस वन कर दे तो आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट, यानी कि हम सेकेंड में से वन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए सेकेंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो टी टू माइनस टी वन हो जाएगा, तो हम लिखेंगे टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू। सब्ट्रैक्शन करते हो तो आप देखिए पहले कॉमन क्या है, जो कॉमन है ना आप उसको बाहर रखिए। जैसे आप देखेंगे तो ये पूरा पार्ट कॉमन है तो आप इसको कॉमन करके बाहर रख लें, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के। अब क्या बचा हमारा, लॉग बेस 10, ये कॉमन है बाहर, तो एक बार है ए नॉट अपॉन 81, सो पहले सेकेंड लिख रहे हैं ना तो उसमें होगा ए नॉट अपॉन 82 माइनस लॉग बेस 10 ए नॉट अपॉन 81। तो आप इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के। ये देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन है क्या, ध्यान से देखिए लॉग एम माइनस लॉग एन, ये फॉर्मूला किसका होता है, लॉग एम बाई एन का, किसका होता है लॉग एम बाई एन का। तो हम देखिए लॉग बेस 10 एम, एम की जगह पे ये है दैट इज ए नॉट अपॉन 82, ऐसे लिख लीजिए अपॉन एन दैट इज ए नॉट अपॉन 81, इसको लिख लें तो थोड़ा सा और अरेंज कर लें, ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10। अब देखिए ये इक्वल कहाँ से आ गया, ये ए नॉट ऊपर ही रहने दें, ये 82 कहाँ चला जाएगा नीचे, यहाँ पे ए नॉट नीचे रहेगा और इसका अपॉन कहाँ चला जाएगा 81 ऊपर, ए नॉट कैंसिल हो गया, आपको क्या मिलेगा दैट इज टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 ए टी वन अपॉन ए टी टू। देखिए 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, ऊपर क्या बचा ए टी वन और नीचे बचेगा 82, तो बस ये बन गया हमारा रिलेशन, ये एक छोटा सा रिलेशन है। आप देखेंगे तो इसमें कहीं भी इनिशियल कंसंट्रेशन का यूज नहीं किया गया है, दो अलग अलग टाइम पे कंसंट्रेशन 81-82 है और दो अलग अलग टाइम है, के हमारा रेट कांस्टेंट है और इसके बेस पे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और इनको रिलेट कर सकते हैं। तो देखिए वो पेज तो अभी सही नहीं है, आपको पीडीएफ में मिलेगा तो आप वहाँ से कर लीजिएगा, कुछ काम की चीज़ दिख जाता बस। हाँ देखिए क्या, टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग 81 माइनस 82, किधर गया ये ना टी टू माइनस टी वन, हाँ बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आप बेस 10 लगा दीजिएगा, इसको आप नेचुरल लॉग में भी लिख सकते हैं,
टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू नेचुरल लॉग लगाएंगे तो ये पूरा पार्ट एल एन बन जाएगा, ये हो जाएगा वन अपॉन के एल एन ए टी वन अपॉन ए टी टू। तब चाहे जिस फॉर्म में रखें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कन्वर्जन तो आता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मेरे हिसाब से लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है। एक रिएक्शन है आपके पास NH2NO2 एक्वस, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है दिया गया है, गिव्स द प्रोडक्ट N2O एंड H2O। तो आपको T50% कैलकुलेट भी करना नहीं है, वो भी दिया है, दैट इज 2.1 आवर। तो आप लिख ले जो आपको दिया है, दैट इज T50% इज गिवेन 2.1 आवर। इफ वन है 24 ग्राम ऑफ NH2NO2 आपको दिया है, मास ऑफ NH2NO2 इज गिवन 124 ग्राम्स। सॉरी, तो अगर देखिए आपको मास पता है तो आप मोल्स निकाल सकते हैं, हाथाप्यास निकाल लें मोल्स ऑफ NH2NO2। कैसे निकालेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास, कितना मास दिया, दैट इज 124 ग्राम अपॉन, इसका मोलर मास कैलकुलेट करें, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 112, 16, फिर नाइट्रोजन 14, 30 और ऑक्सीजन का 32, यानी कि 62 आएगा। सो डिवाइड करिए, आ गया 2 मोल्स। ठीक है, अब एक चीज़ आप देखिए, पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना है आप वो समझ लें, दैट ठीक है, हमें टी हाफ की वैल्यू 0.7 अपॉन के लेना है कैलकुलेशन को ईजी रखने के लिए, और टी 99% मुझे कैलकुलेट करना है। तो देखिए फॉर्मूला लगा दें हम, दैट इज टी 99%। इसका मतलब क्या हुआ है, रिएक्शन 99% कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1% बचा होगा, 1% लेफ्ट। तो देखिए 1% ऑफ किसका बचा होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन का। तो आप चाहे A0 लिखे या फिर A0 की वैल्यू आपको 2 मोल्स पता है उसको लिखे, जो आपको सही लगे। अभी हम A0 ही लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 1/100 ऑफ A0, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 0.01 A0। ये वैल्यू किसकी आ गई, AT की, इतना बचा हुआ होगा। तो बस T99% कैलकुलेट करिए, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तो आप शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आप बस सिंपल सा फॉर्मूला लेके, किस में लिखे, लॉग बेस 10 में, चलेगा लॉग बेस 10 में, 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 और A0 अपॉन AT। AT देखिए कितना है, 0.01 A0, 0.01 A0। आप A0 से A0 उड़ा दे, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर कहाँ चला जाएगा, 100, यानी कि ये बन गया 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10, ये बचेगा 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 to the power 2, पावर को आगे लेके आए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 4.606 अपॉन के, और यहाँ क्या बचेगा, लॉग बेस 10 और यहाँ बचेगा 10, ये वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी अब उसका कोई यूज नहीं है। अब समस्या ये आ गई कि हमें K चाहिए, बिना K हमारा ये वैल्यू कैलकुलेट अब नहीं होगा, तो आइए फिर अब K पे चलते हैं। हमें एक और टर्म दिया गया था, दैट इज T50% दिया है, जो कि किसके इक्वल होता है, 0.693 अपॉन के, जो कि हमें यहाँ कितना लेना है, 0.7 अपॉन के, और ये वैल्यू दिया है, दैट इज 2.1 आवर। तो आप एक काम करें, यहाँ से K की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, K को इधर भेज दें, 2.1 को इधर, तो K की वैल्यू हो जाएगी 0.7 अपॉन 2.1। आप इसको सॉल्व करेंगे तो K की वैल्यू आएगी 1/3। अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ही छोड़ दें, उसको यहाँ लेके आए, तो K की वैल्यू आपको पता है 1/3, तो अगली लाइन में लिखें 4.606 अपॉन K की वैल्यू 1 अपॉन 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, फिर आप इसको सॉल्व कर दें, ये हो जाएगा 8.18, 12, 13, तीन डेसिमल है ना, 13.818 आवर, क्योंकि टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, आवर में डिस्कस कर रहे थे, तो ये आएगा 13.818 आवर। कर सकते हैं, आसान है, हाँ। यहीं पे अब ये मोल कॉन्सेप्ट का भी यूज करेगा क्वेश्चन में,
जो हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 1 पढ़े थे, देखिए कैसे करता है। आगे दे रहा है कि बताइए वॉल्यूम ऑफ ड्राई N2O प्रोड्यूस्ड, ये जो N2O गैस बन रही है ये बताइए कितना वॉल्यूम ये प्रोड्यूस हुआ होगा। तो पहले बात हमें ये मालूम चलना होगा ना कितना मोल्स बना, राइट। अब देखिए स्टोइकोमेट्री, शक्ल देख के क्या कर सकते हैं हम, कि अगर एक मोल NH2NO2 पूरा डिकम्पोज होता तो ये भी एक मोल बनता, लेकिन ये कितना हुआ, सिर्फ 99% डिकम्पोज हुआ है, कितने का, दो मोल का, क्योंकि ये दो मोल था। तो हम लिखते हैं, पहले हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ NH2NO2, तो हमें कितना मिलेगा, दैट इज 99% ऑफ जितना था इन, इसलिए कितना था, दो मोलर। आप इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा 99/100 ऑफ 2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल होकर 50 हो जाएगा, यानी कि बन गया 99/50 मोल्स। इतना मोल्स क्या हो गया, ये डिसोसिएट हो गया। आप बताइए अगर ये इतना डिसोसिएट होगा तो प्रोडक्ट भी इतना ही मोल बना होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कोफिशियंट नहीं है। अगर यहाँ पे 2 होता तो ये जितना डिसोसिएट होता उसमें 2 का मल्टीप्लाई करते तो हमें प्रोडक्ट मिलता, अगर यहाँ 3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, 4 होता तो 4 से, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है 1 है, तो जितना ये डिसोसिएट होगा उतना ही ये बनेगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, आप अगले लाइन में लिख ले, मोल्स ऑफ NO2 formed, कितने NO2 के मोल्स बने होंगे, दैट इज 99/50 मोल्स। लेकिन मुझसे क्या कह रहा है वो, दैट इज टेलिंग टू कैलकुलेट वॉल्यूम। तो आपको पता है कि वॉल्यूम कैलकुलेट करना अगर STP पे, तो हम मोल्स में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, 22.7 लीटर से। कभी भी अगर मोल्स दे के आपसे वो कहता है कि STP पे कैलकुलेट करिए उसकी वॉल्यूम, तो हम 22.7 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले के टाइम्स में 22.4 था ये, लेकिन अभी हम क्या लेते हैं, 22.7। आप इसको सॉल्व कर दें, आपको वैल्यू आपकी मिल जाएगी। आप कर लीजिएगा क्योंकि लाइट चली गई है, अभी कभी भी ये बंद हो सकता है, या फिर मेरे पास इसका सॉल्व सॉल्यूशन होगा, आप वहाँ से देख लें। हाँ देखिए 99/50 इंटू 22.7, इसको आप पूरा सॉल्व करें तो ये वैल्यू इतनी आएगी, इतना लीटर आ जाएगा। तो बस ये यहीं ख़त्म होता है। एक और क्वेश्चन है, फोर्थ प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसको मुझे आपको यहाँ कराना था लेकिन लाइट चली गई है, तो थोड़ा
एंगुलर रेशियो ऑफ इथाइलीन टू साइक्लोब्यूटेन इज इक्वल टू 1। ये हमारे क्वेश्चन में दिया है कि अगर हम इनके रेशियो की बात करें तो हमें कितना मिलेगा 1। अब ध्यान से देखिए, आपको ये चीज समझना होगा, इसमें सबसे पहले किसकी बात की गई, इथाइलीन की। तो इथाइलीन के कितने मोल्स बने हैं, 2p, हम लिखेंगे 2p अपॉन में किसकी बात हो रही, साइक्लोब्यूटेन की। तो बताइए साइक्लोब्यूटेन कितना बचा होगा, 80, और 80 की वैल्यू कितनी है, a0 - b, हम a0 - b लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनका रेशियो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, हम 1 लिखेंगे। अभी क्वेश्चन में बदल सकता है, रेशियो 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, कोई फ्रैक्शन दे सकता है, कोई उसका 4/5 दे, तो यहाँ 4/5 लिख लेंगे। ये भी चेंज किया जाता है, इथाइलीन को बाद में, साइक्लोब्यूटेन को पहले। तो जिसको वो पहले कहेगा आप उसकी कर्सर कैसे पहले लिखेंगे, अपॉन जिसको बाद में कहेगा उसको नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर साइड में। इतना हो गया, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आपको क्या मिलेगा, 2p = a0 - b, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आप p को एक साइड कर ले, ये हो जाएगा 3p = a0। हमें p कैलकुलेट करना है तो हमें क्या मिल जाएगा, a0/3 कर सकते हैं, ये सही है। देखिए आप माइनस पी को जब लेके आएंगे प्लस भी हो जाएगा, तो 2p + 3p और क्या होता है, a0। यहाँ से हम p की वैल्यू निकालिए, a0/3। अब क्योंकि मुझे p मालूम चल गया है तो क्या मैं a की कैलकुलेट कर सकता हूँ, आप देखिए a की क्या था, दैट वाज a0 - p, राइट। तो अब देखिए a0 को a0 ही रहने दें, माइनस p की वैल्यू कितना मिला मुझे, a0/3, इसको आप यहाँ से a0/3 इसके एलसीएम लेके सॉल्व करें, ये हो जाएगा 3a0 - a0, और ये कितना बचेगा, 2a0/3, कह सकते इतना। चलिए ये वैल्यू मुझे किसकी मिल गई है, 80 की, याद रखेंगे। अब हमसे कह रहा है वो टाइम कैलकुलेट करिए, टाइम टी, तो देखिए फॉर्मूला लिखते हैं, t = 2.303/k, क्योंकि हम 2.3 लिख रहे हैं इसलिए लॉग बेस 10 लेना होगा, a0/80, ये होता फॉर्मूला। देखिए ये हो जाएगा 2.303/k, k की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दिया है, आप देख लें 2.303 × 10⁻⁴ log बेस 10, a0 को a0 ही रहने दें, और 80 की वैल्यू कितना आएगा, 2a0/3, तो नीचे तो हम लिखेंगे 2a0/3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ये हो जाएगा 3a0, देखिए a0 से a0 कैंसल, क्या बचेगा, देखिए ये भी कैंसल होगा, 10⁻⁴ है, ऊपर भेज देंगे क्या हो जाएगा, 10⁴ पॉजिटिव, ये बच गया log बेस 10 3/2। अब ध्यान से देखिए क्या log m/n है ना, log m/n को हम क्या लिखते हैं, log m - log n, तो log m की वैल्यू हो जाएगी log 3 base 10 माइनस log 2 base 10, लिख सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट 10⁴ को ऊपर लिखने इंटू log बेस 10, 3 की वैल्यू कितनी होती है, 0.47, माइनस log 2 base 10 की वैल्यू होती है 0.3। आप इसको सॉल्व करें, 10⁴ × इसको माइनस करेंगे हो जाएगा 0.17, इसको और अरेंज करके लिखेंगे तो 1.7 लिख सकते हैं, डेसिमल की तरफ शिफ्ट करेंगे राइट साइड तो पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये पावर कितना हो जाएगा, 10�³, क्योंकि हम क्या निकाले हैं, टाइम, तो आप यूनिट टाइम पे लगाएंगे। अगर k की वैल्यू सेकेंड इनवर्स में है तो ये आंसर किस में आ जाएगा, सेकेंड्स में, यानी कि टाइम के बारे में बात हो रही है सेकेंड में। अगर k की वैल्यू मुझे मिनट इनवर्स में दिया होता तो मुझे यहाँ पे क्या मिलता, मिनट, आवर इनवर्स में दिया होता तो आवर, और इस तरह से ये आ गया हमारा आंसर। आसान है, कर सकते हैं, तो पीडीएफ में आपको होमवर्क मिल जाएगा, इसके बेस पे एक क्वेश्चन है, आप ध्यान से करेंगे हो जाएगा। एक और चीज रह गई है, आप वो भी देखिए, पीडीएफ में नहीं मिलेगा आपको,
तो आप यहाँ से डायरेक्ट अपने नोट्स में लिख लेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो हमने लिख लिया था, तो कुछ एग्जाम्पल्स आप लिख लें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के। इसमें होता है पहला एग्जाम्पल हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथीन, दैट इज C2H4। हाँ, हाइड्रोजिनेशन का मतलब उसमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का रिएक्शन कराते हैं, तो ये हो जाएगा C2H4+H2 और ये मुझे क्या देता है C2H6, जिसको हम क्या कहते हैं इथेन कहते हैं। देखो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आप लिख लें डिकम्पोजिशन ऑफ, एक है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड दैट इज N2O5 एंड N2O। इन रिएक्शंस की जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखती है वो भी क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। तो बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।